और एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। रायपुर से की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज बिलासपुर प्रवास पर राज्यपाल रामेन ड्रेका रहने वाले हैं। स्थानीय कार्यक्रमों में यहां पर राज्यपाल शिरकत करेंगे, एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण करेंगे। वहीं न्यू सर्किट हाउस में अधिकारियों की भी बैठक लेंगे। इधर जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में बैठक रखी गई है, विवी के दीक्षांत समारोह में भी शिरकत करेंगे। तो बिलासपुर प्रवास के दौरे पर आज राज्यपाल, जहां स्थानीय कार्यक्रमों में राज्यपाल शिरकत करेंगे, एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण यहां वे करेंगे। वहीं न्यू सर्किट हाउस में अधिकारियों की भी बैठक लेते नजर आएंगे। इधर जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में भी बैठक रखी गई है, जिसमें वे शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी कुलभूषण, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुलभूषण, आज राज्यपाल बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम आज उनके? बिल्कुल, राज्यपाल रमेन ड्रेका जो है वो आज बिलासपुर प्रवास पर रहने वाले हैं। सवेरे करीब 10 बजे वह राजधानी जयपुर से बिलासपुर के लिए यहाँ से रवाना होंगे। सबसे पहला जो उनका कार्यक्रम है वो वही है, दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। वहां से दीक्षांत समारोह के बाद उनकी कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है वो आज वहाँ पर रखा गया है। सबसे महत्वपूर्ण वहाँ पर न्यू सर्किट हाउस में अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक जो है वो रमेन ड्रेका वहाँ पर लेने वाले हैं। हो सकता है कि क्या बड़ी बैठक में क्या चीजें छत्तीसगढ़ के कार्यकाल को लेकर किस तरह से कार्य यहाँ पर किया जा रहा है, किस तरह के अधिकारी वहाँ मौजूद होंगे, ये बैठक के दौरान ही पता चल पाएगा कि कौन कौन से अधिकारी किस तरह से क्या बातचीत वहाँ पे होने वाली है, क्या नई चीजें, क्या कुछ नए निर्देश जो है वो राज्यपाल वहाँ पर देने वाले हैं। तो एक तरह से पूरा राज्य का हालचाल जो है वो अधिकारियों के थ्रू वहाँ पर राज्यपाल जो है वहाँ पर जानने वाले हैं। उसके बाद मैं बता दूँ की बिलासपुर के प्रसिद्ध रतनपुर महामाया मंदिर में वो आज जाने वाले हैं। महामाया मंदिर का जो माँ महामाया देवी के दर्शन के बाद वो राजधानी रायपुर जो है वो वापस लौटेंगे। तो एक बड़ा पर्व है, जिस तरह से नवरात्रि का पर्व है, उससे पहले हमने देखा रतनपुर महामाया देवी के दर्शन के बाद जो है वो राजधानी रायपुर वापस लौटेंगे। बिल्कुल, यानी कि आज उनके कई सारे कार्यक्रम हैं, काफी व्यस्तता के साथ आज उनका दिन गुजरेगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।